बिल्कुल हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम आए थे लॉ फैकल्टी, जो आपके पीछे बिल्डिंग है ये लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग है। यहाँ पे इसके साथ एक और इसकी बिल्डिंग है, वो अभी न्यू बिल्डिंग बनी है। वहाँ पे कौन सी क्लासेस होती हैं उस वाली बिल्डिंग में? वहाँ भी LLB की होती है, वो लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 है, ये CLC है। तो ये CLC है, वो LC1 और LC2 है। अब हमारे साथ आज शुभांशु त्यागी जी हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है DU का और इनका कैसा एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाई वगैरह होती है वो कैसी होती है। सो हाय शुभांशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इसके अंदर किस तरीके से एंट्रेंस का प्रोसेस होता है। इसमें पहले एंट्रेंस का फॉर्म निकलता है, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा, तो वो एंट्रेंस का फॉर्म कौन से मंथ में निकलता है? एंट्रेंस का फॉर्म अप्रैल में निकल जाता है, बट ड्यू टू कोरोना इस बार थोड़ा लेट निकला था। ठीक है, और जो एंट्रेंस होता है उसमें क्या रहता है? एंट्रेंस में हमारे एग्जाम जो सब्जेक्ट होते हैं वो लीगल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। उसमें GK होती है, मैथ्स भी होती है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है। और जो एग्जाम होता है वो किस पैटर्न में होता है? वो OB पैटर्न, वो उसमें होता है, ऑनलाइन पैटर्न में ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो मल्टीपल चॉइस इसी के आपसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो उसके बेसिस पे होता है। कट ऑफ किस अराउंड रहती है? कट ऑफ कैटेगरी वाइज जनरल की वही हाई होती है, उससे नीचे फिर OBC ST है, उनकी नीचे रहती है। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है जी, तो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई? हाँ, ऑनलाइन ही चल रही है हमारी। तो आप कैसा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से, मतलब जो आप पहले आपने ग्रेजुएशन की होगी फिर यहाँ पे एडमिशन हुआ होगा, तो वहाँ के जो टीचर्स से यहाँ के टीचर्स से कितना फर्क लगता है? नहीं, ऑब्वियसली CLC है, टीचर्स भी अच्छे ही हैं और एनवायरनमेंट भी पढ़ाई का ही रहता है। और ऑनलाइन में तो अभी ये है कि घर बैठे सभी कर रहे हैं, एक्सपोजर वो वाला नहीं मिल पा रहा जो फिजिकल मोड में होता है, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अभी कॉलेज खुलेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, तो और टीचर्स किस तरीके से गाइड करते हैं चीज़ों में? टीचर्स बिल्कुल, कभी भी हम कुछ भी पूछ सकते हैं, वो 24/7। और यहाँ पे जो कैंपस है वो, उसका एक्सपीरियंस कैसा है कि आपको कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो CLC का पुराना ही है अभी तो, क्योंकि LC1 भी पहले यहीं पे था, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है LC1 और LC2 का, वो पीछे बना हुआ है, उसका भी काफ़ी ठीक है, लेकिन ये अभी पुराने स्ट्रक्चर में ही है। और यहाँ पे जो डिस्कशन वगैरह जो होते हैं, जो आपको अपने साथ अपने और स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहता है आपका? अभी तो हमारा सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो वो तो हमारे सीनियर्स ही बता पाएंगे। अभी कॉलेज खुलेगा तो एक्सपोजर मिलेगा, तभी बता पाएंगे। और बुक्स वगैरह कैसे अवेलेबल होती हैं यहाँ? बुक्स टीचर्स ने बताई हुई है सारी। अच्छा, और केस मटेरियल वगैरह मिलते हैं, उससे केस को पढ़ाते हैं वो, और अपनी रेफरेंस के लिए हम जो लॉ बुक्स होती हैं वो टीचर्स रिकमेंड कर देते हैं, उनको ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच, इनसे इतना ही जानना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।